चुनावों के समय में गलत जानकारी और अफवाहें तेजी से फैलती हैं। इन फर्जी खबरों का मकसद अक्सर जनता को भ्रमित करना, वोटर्स के मन में संदेह पैदा करना और कभी कभी किसी विशेष राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाना होता है। और यही वक्त है जब सही जानकारी तक पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है पल्लवी मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव से जुड़े ऐसे ही तीन महत्वपूर्ण फैक्ट चेक्स की। हमारी पहली फैक्ट चेक रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। कथित तौर पर बीजेपी के लेटर हेड पर लिखे एक पत्र को शेयर कर दावा किया गया कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस लेटर को शेयर कर कहा गया कि उन्होंने राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता के रूप में बीजेपी को ज्वाइन किया है। हमने इस दावे की जांच की और पाया कि वायरल लेटर असल में एडिटेड था। हमने इस मामले में बीजेपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर अरुण सिंह से भी बात की। उन्होंने इस पूरे पोस्ट को नकारते हुए कहा कि ये लेटर एडिटेड है और ये खबर बेबुनियाद है। हमने प्रशांत किशोर से भी इस मामले में बात की और उन्होंने भी इस पोस्ट को फर्जी बताया। चलिए अब बात करते हैं अमित शाह से जुड़े एक वीडियो क्लिप की। इस क्लिप में उन्हें गारंटी के बारे में बात करते दिखाया गया था। पोस्ट में दावा किया गया कि अमित शाह ने अपनी पार्टी द्वारा दी गई विकास की गारंटी को नकारते हुए उसे चुनावी ढोंग बताया है। हमने इस क्लिप की जांच की तो पाया कि वीडियो असल में अधूरा था। इसमें से एक हिस्सा काट कर गलत संदर्भ में वायरल किया गया। पूरा इंटरव्यू सुनने पर पता लगा कि अमित शाह असल में राहुल गांधी के तेलंगाना में दिए गए वादे की बात कर रहे थे, अपनी पार्टी की नहीं। हमारी तीसरी फैक्ट चेक रिपोर्ट राहुल गांधी के एक वायरल वीडियो के बारे में है। इस वीडियो में कथित तौर पर उन्हें बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते दिखाया गया। साथ ही इस वीडियो में भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस की आलोचना करते नजर आए। हमने इस वीडियो की पड़ताल की तो पाया कि वीडियो असल में एडिटेड था। असली वीडियो में इसके उलट उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी और कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सराहना की थी। तो ये थे इस हफ्ते के तीन बड़े फैक्ट चेक। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए।